सो है गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो अपने पबजी मोबाइल में न्यू फीचर आया है एम फीचर, तो उसके बारे में। तो पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये जो फीचर है ये कहाँ से ऑन करते हैं। मैक्सिमम सारे लोगों को पता ही होगा, तो देखो यहाँ से ऑन और या ऑफ करते हैं। तो मैंने ऑन करके रखा है, तो ऑन करने के बाद जो ऊपर वाला देखो जो बटन है वो दिख जाएगा आप लोगों को। तो ये बेसिकली आप लोग फोर्टनाइट खेले होंगे या फिर गेम प्ले देखे होंगे उसके जैसा ही है, लेकिन वो फोर्टनाइट में क्या होता है वो फास्ट, इसमें भी इस मोमेंट में भी फास्ट होता है लेकिन इसमें स्लो कर देता है बंदे को। और आपको पबजी में भाई इसमें एक्यूरेसी तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है, एक एक्यूरेसी अच्छा हो जाएगा और थोड़ा बहुत रिकॉल भी कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन आपको रिफ्लेक्स भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए। इसमें आपका स्पीड जो है वो कम हो जाता है, तो भाई पबजी में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए। और आप दूर का रिकॉल कंट्रोल करने के लिए तो आप लोग क्राउच करके भी मार सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। और इसका इसमें आपका रिफ्लेक्स कम हो जाएगा, मतलब आप देख सकते हो एफपीपी में भी इसका जो मोमेंट है वो स्लो हो जाता है, जिगर आपका नहीं होगा, ठीक है। आप क्लोज रेंज में अगर ये ऑप्शन में क्लिक मार देते हो तो आपका जिगर नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा मतलब नेगेटिव साइन तो है इस चीज़ का, आप मतलब लेट के तो नहीं कर सकते, आप क्राउच करके तो नहीं कर सकते, लेकिन ये गन जब भी लोगे हाथ में रन और क्राउच ये देखो ये आप कर सकते हो, लेकिन ये आप क्लोज रेंज में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि क्लोज रेंज में आप करोगे तो आपका जो मोमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा। मतलब देख सकते हो ये देखो जिगल हो ही नहीं रहा, इतना स्लो हो रहा है। आप इसको यूज़ करके जिगल करके मारोगे तो बंदा आपको नॉक फिनिश करके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब नॉक फिनिश हो जाओ। देखो जब नॉर्मल ट्रैक करते हो अपने स्क्रीन को कितना स्पीड में होता है, लेकिन इसको यूज़ करके जब आप कर रहे हो, ठीक है, देखो कितना स्लो हो रहा है, मतलब आपका मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा। अब बंदे को मारने से पहले बंदा मूवमेंट देख के आपको मार के चला जाए, तो इसका यूज़ तो क्लोज रेंज में है ही नहीं, कत्ता ही नहीं है। अब इसका यूज़ थोड़ा बहुत दूर के स्प्रे के लिए क्राउच करके फायर कर सकते हो, ठीक है, और वैसे भी रिकॉल कंट्रोल के लिए क्राउच ही हो जाता है, क्राउच ही हो जाता है, क्राउच से बहुत बहुत ही बढ़िया रिकॉल कंट्रोल होता है आप अगर जायरो प्लेयर हो या फिर स्कोपॉन जायरो प्लेयर हो, ठीक है। और इसका इतना कुछ अच्छा यूज़ तो मुझे दिख नहीं रहा, आप लोगों को अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। और मैं तो भाई इसको ऑफ ही रखने वाला हूँ, ठीक है, मैं जस्ट इस वीडियो के लिए मैंने इसको ऑन करके मैंने देखा कि इसमें क्या क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सेफ रहो गाइस, घर पे रहो, सेफ रहो, कोई इमरजेंसी ना हो तो बाहर मत निकलो, बाय बाय।